हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, हियर इज आनंद मिश्रा एंड आवर चैप्टर इज चैप्टर 8 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई है, हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस और आज हम इसे पढ़ते हैं, जिसमें हमारे जो की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स में पहला वाला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं। तो इसकी जो 3 स्टेट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, ठीक है ना। और पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसमें देखिए, इसमें एक डायग्राम हुआ है, इस डायग्राम में आपको एक मदर दिख रही है, एक उसकी डॉटर दिख रही है। तो मदर और डॉटर के कंजर्वेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है देखिए। मॉम आई स्प्लिट सम मिल्क एंड शुगर ऑन इट, द मिल्क इज फ्लोइंग बट शुगर इज नॉट, वाई इज इट सो। वो है माँ मेरे मुझसे थोड़ा सा प्लेट में दूध और शक्कर फैल गई है, इसमें दूध तो बह रहा है लेकिन शक्कर नहीं बह रही है, ऐसा व्हाट इज़ द रीज़न। तो मदर समझा रही है, जिया शुगर इज सॉलिड, शुगर होती है सॉलिड होती है, इट डज नॉट फ्लो, ये बहती नहीं है, मिल्क इज़ अ लिक्विड इट इज़ फ्लोइंग, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज मैंने जो आपका दिया है, इट इज़ एक्टिविटी टाइम जो मैंने आपने को दिया था, ये एक्टिविटी टाइम मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ, या आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूँ क्या था कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो हमारा वर्ल्ड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों से बना हुआ है। सर्टेन थिंग्स आर विजिबल, कुछ हमें देती हैं, वाइल सम अदर्स आर नॉट विजिबल, कुछ हमें दिखाई नहीं देती हैं, और वी कैन दैट दे आर इनविजिबल, और हम कहते हैं कि ये हमें दिख नहीं रही हैं, वो दिख रही हैं क्योंकि उन पर लाइट नहीं पड़ रही है। तो एनी थिंग, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको एनी थिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी चीज़ जिसके पास वेट हो और जिसके पास जो जगह घिरती हो, जो चीज़ क्या करती हो अपनी जगह घिरती हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। एवरी थिंग फ्रॉम अ माइक्रो और द हाइगेस्ट माउंटेन इज मैटर, यानी कोई भी चीज़ चाहे वो एक छोटा सा माइक्रो और यानी एक छोटा सा सूक्ष्मदर्शी जीव हो, सूक्ष्मजीव हो या फिर हाई माउंटेन हो, चाहे वो बहुत बड़ा पर्वत हो, सब कुछ कैसे बना है, मैटर से बना हुआ है। अब अगला जो हमारा पेज है उसमें भी हम ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी थिंग और लिविंग बींग, मैटर जो होता है इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर जो बना होता है कैसे बना होता है, एटम से बना होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग बींग्स का, लिविंग बींग का स्मॉलेस्ट यूनिट है। दे आर ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, एटम्स ध्यान रखना है आप, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, एंड एटम इज़ द स्मॉलेस्ट विजिबल मैटर, जो एक एटम होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है, इनविजिबल यानी कभी भी दिखाई नहीं देता है, पार्टिकल मैटर है, कैन नॉट बी मेड चेंज और डिस्ट्रॉय, इसको ना तो आप चेंज कर सकते हो ना आप इसको डिस्ट्रॉय सकते हो, जैसे कि कार है आपका, टेबल है, डॉग है, काउ है, चेयर है, हाउस है, सब कैसे बने हैं, ये सभी चीज़ें कैसे बनी हैं, एटम से बनी, कैसे एटम से बनी है। तो एटम सबसे छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। एटम्स कम्बाइन टुगेदर, एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ डिफाइनाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड मॉलिक्यूल, द फॉर्म इन विच मैटर एग्जिस्ट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, जो हमारा द फॉर्म इन विच मैटर एग्जिस्ट, ऐसा फॉर्म जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है, डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज डिफरेंट फॉर्म बन अनदर, यानी जो हमारे एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स तरीके से कंबाइन करते हैं, दे अपीयर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसमें दिया हुआ है पॉजिटिव, सो टेक सम शुगर ग्रेन्स एंड सम पाउडर, ठीक है, हमने शक्कर के दाना लिया और शक्कर के पाउडर लिए, टेस्ट तो उनका, कलेक्ट सम सॉडस्ट एंड अ पीस ऑफ वुड, द टाइनी पार्टिकल सॉडस्ट आर पार्ट ऑफ वुड, जो हमारा सॉडस्ट था वो काहे के हैं, लकड़ी का बुरा, दिस प्रोवाइड दैट मॉलिक्यूल्स टेक दैट मेक अप अ सब्सटेंस द सेम वेदर द सब्सटेंस इज बिग और स्मॉल, होता है कि मॉलिक्यूल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दैट मेक अप सब्सटेंस, जो सब्सटेंस
बनाते हैं वो सेम होते हैं, वेदर द सब्सटेंस इज बिग और सब्सटेंस बिग और स्मॉल। ठीक है, यदि आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो में, और यदि आप प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें और ग्रुप में भी सेंड।